नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जोबित पीढ़ी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको UPSC की प्री और मेंस का पूरा PCA सिलेबस टॉपिक वाइज हिंदी में बताऊंगा, साथ ही इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप UPSC के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले UPSC के सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको सिलेक्ट होने के लिए तीन स्टेज है वो क्वालिफाई करने होते हैं। फर्स्ट स्टेज आपकी प्री एग्जाम रहेगी, इसके बाद में आपकी मेंस एग्जाम और मेंस एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि किसका वेटेज कितना है, यानी फाइनल मेरिट आपकी किस प्रकार बनेगी और कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आपकी क्वालिफाई नेचर के बिन में से रहेंगे। सबसे पहले हम प्री के सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो प्री के अंदर आपके दो पेपर होंगे, जिसमें पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन का रहेगा, जिसके अंदर आपके कुल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे और टाइम पीरियड भी इसके अंदर आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और आपका जो पेपर का टाइप है वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। आगे हम बात कर लेते हैं पेपर सेकेंड, इसके अंदर प्री के अंदर होता है, जिसे हम सी सेट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स आपके 200 होंगे, टाइम पीरियड आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 1/3 रहेगी और जो पेपर का टाइप है वो भी ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, जो प्री के मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट के अंदर ऐड है वो नहीं होंगे, यानी दोनों पेपर के मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट के अंदर जोड़े नहीं जाएंगे। अब हम मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो मेंस के अंदर जो आपका पेपर फर्स्ट होगा वो आपका कंपलसरी एक इंडियन लैंग्वेज होगी, जिसके कुल 300 अंक होंगे। इसी प्रकार आपका जो पेपर बी होगा वो अंग्रेजी का होगा, इसके भी आपके कुल 300 नंबर होंगे। ये दोनों के दोनों पेपर है वो क्वालिफाई नेचर के रहेंगे, यानी इनके भी जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट के अंदर ऐड नहीं होंगे। आगे हम बात करें तो जो पेपर आपका फर्स्ट है, जिसमें आपको एसे यानी निबंध लिखना है, ये आपका 250 नंबर का होगा। पेपर सेकंड सामान्य अध्ययन फर्स्ट है, ये भी आपका 250 नंबर का होगा। पेपर थर्ड यानी सामान्य अध्ययन सेकंड का, ये भी 250 नंबर का होगा। और जो आपका पेपर नंबर 4 यानी सामान्य अध्ययन 3 का जो पेपर है वो भी आपको 250 मार्क्स का होगा। और इसी प्रकार आपका सामान्य अध्ययन का जो 4 नंबर का पेपर है वो भी आपको 250 नंबर का होगा, यानी इन चारों के जो आपके नंबर है वो आपके फाइनल मेरिट के अंदर ऐड किए जाएंगे। इसी प्रकार जो आपका पेपर नंबर 6 रहेगा वो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट है, और जो आपका पेपर नंबर 7 है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका सेकेंड पेपर रहेगा, यानी इनके जो आपके मार्क्स है वो ऐड होंगे फाइनल मेरिट के अंदर। ठीक, अब हम प्री के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो प्री के अंदर जो आपका पेपर फर्स्ट है सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जिसके आपके 200 अंक होते हैं और 2 घंटे का आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। इसके अंदर जो आपका टॉपिक फर्स्ट है वो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, टॉपिक इसका सेकेंड है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय विश्व भूगोल, जिसमें भौतिक सामाजिक भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति, शासन संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। नेक्स्ट है आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं सामान्य मुद्दे और सामान्य विज्ञान से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके प्री के फर्स्ट पेपर का सिलेबस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की सिलेबस की, जिसे हम सी सेट बोलते हैं। इसके अंदर भी आपके 200 अंकों के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड है वो दिया जाएगा। इसके अंदर जो टॉपिक फर्स्ट है वो समझना यानी कॉम्प्रिहेंसिव संबंधित आपका टॉपिक फर्स्ट रहेगा। फिर है संचार कौशल सहित परंपरागत जो आपके कौशल है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर है तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट है निर्णय लेना, समस्या समाधान है। अगला टॉपिक है सामान्य मानसिक क्षमता, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। फिर है बुनियादी संख्या, जिस जैसे संख्या और उनके संबंध है, परिणाम के आदेश से कक्षा 10th स्तर तक, डाटा व्याख्या जिसमें चार्ट, रेखांकन, तालिका, डाटा पर्याप्तता, इनसे संबंधित आपके 10th लेवल तक के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये आपका पेपर है वो सेकंड
हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब हम इसके सिलेबस की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो आपका पेपर ए और पेपर बी, यानी जो कि पेपर ए भारतीय भाषा का रहता है और पेपर बी जो कि अंग्रेजी भाषा का रहेगा, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेपर बी ए है जो अनिवार्य भारतीय भाषा है, इसके अंदर आपको पैसेज दिया जाएगा, उसके आधार पे आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। सेकंड इसका जो टॉपिक है वो आपको स्टिक लेखन से संबंधित होगा, फिर है उपयोग और शब्दावली, फिर है लघु निबंध और अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद करना और भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करना, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका पेपर फर्स्ट हो गया जो कि आपका कंपलसरी पेपर है और इसके मार्क्स है वो आपके फाइनल एग्जाम के अंदर नहीं, फाइनल मेरिट के अंदर ऐड नहीं होते हैं। पेपर बी जो कि अंग्रेजी है, इसके अंदर भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर आपको जो लेखन से संबंधित टॉपिक होगा, फिर है उपयोग एवं शब्दावली और लघु निबंध, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये दोस्तों जो मेंस के अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बातें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसमें पेपर फर्स्ट जिसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट के अंदर ऐड होते हैं, जो कि आपका निबंध का है। इसके अंदर आपसे निबंध लिखवाए जाएंगे, ये आपका 250 मार्क्स का पेपर रहेगा इसका पेपर फर्स्ट है। इसी प्रकार इसका जो पेपर सेकंड है जिसके मार्क्स भी आपके आगे, दोस्तों जो भी मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ सभी के मार्क्स है वो फाइनल मेरिट के अंदर आपके ऐड होंगे, ठीक है। तो पेपर सेकंड है सामान्य अध्ययन, फर्स्ट है जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल। इसके अंदर टॉपिक फर्स्ट है भारतीय विरासत, है आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछ लेंगे। पेपर थर्ड है सामाजिक अध्ययन, सेकेंड यानी शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछ लेंगे। ये भी आपका 250 नंबर का एग्जाम है रहेगा और फाइनल मेरिट के अंदर इसके मार्क्स है वो जोड़े जाएंगे। पेपर नंबर चार है सामान्य अध्ययन थर्ड, जिसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीकी, पर्यावरण और जैव विविधता, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। पेपर नंबर पाँच जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर नंबर चार है, जिसमें नैतिकता, अखंडता और योग्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाएगा। मानव इंटरफेस, मनोवृत्ति, योग्यता, भावात्मक बुद्धि, सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता और शासन में संभावना, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछेंगे। जो दोस्तों पेपर नंबर छः और जो ये सात है, ये आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज किए इनके दोनों पेपर रहेंगे और इन ये दोनों पेपर वो 250-250 नंबर के होते हैं और उनके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट के अंदर आपके ऐड रहेंगे। इनमें से आप कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो आपका कृषि विज्ञान ले सकते हैं, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव जाति, वनस्पति, रसायन, रासायनिक अभियंत्रण, वाणिज्य और लेखा, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, इतिहास, कानून, असमिया, बंगाली, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गणित, मैकेनिकल इंजीनियर, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, इनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसका आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का आपका एग्जाम इसके अंदर रहेगा। ये दोस्तों इसका मैंने आपको पूरा सिलेबस है वो बता दिया। अगर आप इनके प्रत्येक का सिलेबस देखना चाहते हैं, आप लैंग्वेज सेकंड का और ये आप ये भी देखना चाहते हैं कि किस टॉपिक से किस प्रकार कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहाँ से ये सिलेबस है वो पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप इसकी तैयारी अनअकैडमी पे करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप फ्री क्लासेस के लिए कूपन कोड जो भी पीडी का इस्तेमाल कर लेना। अगर आप कोई कोर्स खरीदते हैं उसके अंदर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप कूपन कोड जो भी पीडी का इस्तेमाल करके डिस्काउंट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आप कहाँ से और मॉक टेस्ट कहाँ से किस प्रकार आप ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए jobitpd.com। इसको सर्च करने के बाद में वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नीचे आपको ये इंटरफेस दिया जाएगा, वहाँ पे आपको डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, SSC, इनमें दोस्तों आपके ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको आगे इसको स्क्रॉल करते हुए जाना है और आगे आपको सिविल सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको इसको क्लिक कर देना है। इसमें आपको ऊपर दिया गया सिविल सर्विस UPSC प्रीलिम्स, इसके अंदर दोस्तों आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके अंदर
जो यूपीएससी के प्री टॉपिक वाइज पेपर सेकंड हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ये आपको दिए गए हैं। इनमें से आप एक प्री टेस्ट है वो आप एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये सभी के सभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आप इनको खरीदना चाहते हैं तो आपको 30 दिनों के लिए 199 रुपये का आपको चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप किसी भी अनलॉक पे जाके आप इनको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको 199 रुपये वो पे। इसके रिगार्डिंग आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, नीचे आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।